एपिसोड 62 में लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। चेन बोलता है हुआ में इसे डेमन बोलता है, जापान में इसे सिक्की कामी बोलता है, हर जगह इसका अलग नाम होता है, लेकिन ये लोग एक ही काम करते हैं। वो तुम्हें इसलिए पोजेस किया है कि तुम शायद आउटर वर्ल्ड को सेंस कर सकती हो। जब तुम अपना डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करती हो तो तुम्हारा स्पिरिट बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है, तो तुम दूसरा के स्पिरिट को देख सकती हो। जुडाई बोलती है अब मुझे पता चला कि मेरा दादा मेरा पापा को छोड़कर पूरा जुडाई फैमिली मेरे हवाले कर दिया। जब मैं 5 साल की हुई थी मेरे पास ताकत था कि मैं दूसरे लोग का स्पिरिट को देख सकती हूँ। इसी कारण जुडाई फैमिली और मास्टर मीटिंग मुझे सपोर्ट कर रहा है। मास्टर आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो? मैं आपके सभी ऑर्डर को मानूंगी। चैन बोलता है तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तुम्हें पता होगा। जुडाई बोलती है मास्टर मैं ये सिंबल को देखी हूँ, मुझे लगता है कि जुडाई फैमिली का पूजा करता है। चैन बोलता है ठीक है चलो तैयारी कर लो, हम दोनों जापान जाने वाले हैं। फिर हमें अगले सीन में जापान के जुजाओ आइलैंड में दिखाया जाता है। एक बूढ़ा आदमी बोलता है ओ नहीं मास्टर जुआओ जाग गए। तभी एक आदमी बोलता है पापा मास्टर जुजाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, उन्होंने 3 लोगों को मार दिया है। वो आदमी बोलता है ठीक है चलो मेरे साथ। तभी हमें दिखाया जाता है एक भूत एक आदमी को मार रहा होता है। वो आदमी बोलता है हे डियर मास्टर जुजाओ आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? जाओजू बोलता है मेरा एक डुप्लीकेट खत्म हो गया है। हुआ में किसका हिम्मत हुआ कि मेरे डुप्लीकेट को मार दे, मैं उसे खोज कर मार डालूंगा। वो आदमी बोलता है जुडाई फैमिली की वो लड़की है ना, है तुम जाकर पता करो कि ये डुप्लीकेट का क्या हुआ, लेकिन इसे खत्म करने के लिए टाउ इमॉर्टल में होना होगा उसे। क्या ये हो सकता है कि हुआ में अभी भी इमॉर्टल जिंदा है? ये तो सही में नामुमकिन वाला बात है। जुजाओ बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन है वो, खोजो और मार डालो उसे। वो लोग बोलते हैं ठीक है मास्टर। फिर वो अपने मन में बोलता है ये है इमॉर्टल का पावर, मरने के बाद भी ये अभी भी जिंदा है, ये अपने आत्मा को कंट्रोल करके एक सिक्कीगामी बन गया जिससे कि ये दुनिया में रह सके। जाओ जाकर जुडाई फैमिली से पूछो क्या जुडाई को कुछ हुआ है क्या, और मास्टर मीटिंग के साथ हमारा मीटिंग करा। वो लड़का बोलता है ठीक है पापा। फिर हमें अगले सीन में डोंगसन में दिखाया जाता है। जुडाई अपने मन में बोलती है हम लोग डोंगसन में क्या कर रहे हैं, हम लोग तो जापान जा रहे थे ना। चैन बोलता है हम लोग आ गए। जुडाई आगे में खाई को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। चैन बोलता है तुम्हें क्या दिख रहा है? जुडाई घबराते हुए बोलती है मास्टर आगे खाई है। चैन बोलता है ओ ऐसी बात है फिर से देखो। फिर वो चिल्ला के बोलता है खुल जाओ। जुडाई आगे में देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या यहीं पर इमॉर्टल लोग रहते हैं? चैन बोलता है यहाँ पर कोई इमॉर्टल नहीं है, यहाँ पर बस मैं रहता हूँ, चलो मेरे साथ। जुडाई बोलती है अगर मैं एक भी स्टेप गलती ली तो मैं 100 फीट नीचे गिरूंगी। फिर वो चैन के पीछे बादल में चलने लग जाती है और अपने मन में बोलती है ये ट्रिप सही में बहुत ही बढ़िया है, मैं अपनी जिंदगी में इसे भूल नहीं पाऊंगी, ये जगह का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि मैं हॉट स्प्रिंग में हूँ। फिर वो आगे में देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये तो असल में ड्रैगन है। चैन बोलता है ये है बैली, ये असल में ड्रैगन नहीं है, ये ड्रैगन का प्रोटोटाइप है सिर्फ, ये उस सिक्कीगामी से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर बैली यहाँ पर ड्रैगन फॉर्मेशन नहीं बनाता तो मुझे मैजिक टूल का इस्तेमाल करना पड़ता। फिर वो लोग घर के अंदर जाने लगते हैं। जुडाई बोलती है ये घर का नाम बी ग्वांगे है। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। जुडाई फोटो में देख के बोलती है मास्टर ये कौन है? चैन बोलता है तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, टोंगसन इसे गेस्ट रूम में ले जाओ, मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने, कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। टोंगसन बोलता है ठीक है मास्टर। चैन अपना सामान लेकर बैठ जाता है और बोलता है समय हो गया है अब ब्रेक थ्रू का, ये स्पिरिचुअल प्लांट का पहला बैच है जो पूरी तरह मैच्योर हो गया है। फिर वो स्पिरिचुअल प्लांट से पिल बनाने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद चैन बोलता है अब मुझे पिल का इस्तेमाल करके अपना कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा, मैं टोंगसन के मिड स्टेज में बहुत ही ज्यादा करीब हूँ। फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है। जुडाई बोलती है सही में बहुत दिन हो चुका है, मास्टर अपना ट्रेनिंग कब कंप्लीट करेगा? अगर रूम में कंप्यूटर और टीवी नहीं रहता मैं सही में बहुत ही ज्यादा बोर हो जाती। चैन बोलता है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? जुडाई बोलती है मास्टर। चैन बोलता है अब मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं किसी भी इमॉर्टल स्टेज को मार सकता हूँ। फिर वो लोग जापान का फ्लाइट लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। जुडाई बोलती है मास्टर क्या हमें होटल जाना चाहिए? चैन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो लोग यहाँ पर आ गए हैं। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकता है और गाड़ी के अंदर से एक आदमी निकल के बोलता है जब तुम यहाँ पर आ गई तो फैमिली को इस बारे में बताया क्यों नहीं तुमने? जुडाई बोलती है कंगफू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कंगफू बोलता है मेरी प्यारी बहन तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम मास्टर हो फैमिली की? ग्रैंडफादर मुझे ऑर्डर दिया है तुम्हें वापस लाने के लिए। जुडाई बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत? कंगफू बोलता है क्या हो गया? तुमने बहुत बड़ा गलती किया है, दादा और मास्टर मीटिंग तुमसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, और उसके अलावा हैसन तो है ही नहीं तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या लगता है ये सुंदर लड़का तुम्हारा रक्षा करेगा? चैन बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा भगते हो। फिर वो एक जोर से थप्पड़ मारता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर उसके बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं।
जुड़ाई बोलती है, मास्टर आपको जापानी से आता है क्या? चैन बोलता है, मैं इमॉर्टल कल्टीवेटर हूँ और एक लैंग्वेज को सीखना मेरे लिए बहुत ही आसान है। जुड़ाई फैमिली इतना बेकार ग्रुप को भेजा है, ये लोग मुझे बहुत ही ज्यादा कम समझ रहे हैं। फिर वो अपने इनविजिबल तलवार से उसे काट डालता है। जुड़ाई बोलती है, मास्टर ये बहुत ज्यादा हो गया ना? चैन बोलता है, जुड़ाई फैमिली तुम्हें लाने के लिए बोला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाओजू को पता चल गया कि उसका एक डुप्लीकेट पकड़ा गया है। हम लोग सीधा वहां पर जाएंगे, चलो चलते हैं। आशा करता हूँ कि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। मुझे सिर्फ ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि मैं जापान के अमेरिकन आर्मी से उलझू नहीं। मेरा फैमिली के पास इतना ताकत नहीं है कि उनके साथ कम्पीट कर पाए। फिर हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। एक आदमी बोलता है, मास्टर कभी एक खबर भेजा है, वो अभी एयरपोर्ट में है और वो अपने साथ जुड़ाई को ला रहा है। जुड़ाई को ओल्ड मास्टर बोलता है, कंफू सही में बहुत ही अच्छा काम करता है। बीटिक बोलता है, रुक जाओ, क्या जुड़ाई के साथ कोई आ रहा है क्या? वो आदमी बोलता है, जुड़ाई के साथ एक लड़का है। चौंग बोलता है, क्या हो गया मास्टर बीटिक? तभी वहाँ पर धमाका हो जाता है। सभी लोग बोलते हैं, क्या हो गया वहाँ पर? तभी एक आदमी आके बोलता है, मास्टर कोई यहाँ पर आ गया है। जोंग बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई? वो आदमी बोलता है, जुड़ाई के साथ एक लड़का भी है। जोंग शॉक्ड होकर बोलता है, ये कैसे हो सकता है और बाकी के सभी लोग कहाँ गए? बीटिंग बोलता है, लगता है कि हुआ से कोई एक्सपर्ट आया है। फिर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर के होते हुए एक हुआ का एक्सपर्ट कर भी क्या लेगा? तभी चैन के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं, जाओ सभी लोग हमला करो इस पर। चैन अपने इनविजिबल ताकत का इस्तेमाल करके उस पर जो हमला करने वाले आ रहे होते हैं उन्हें मार डालता है। फिर दूसरे आदमी बोलते हैं, बंदूक से हमला करो। फिर सब लोग चैन पर बंदूक से हमला करने लग जाते हैं, लेकिन चैन को कुछ भी नहीं होता है। जुड़ाई ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, ये कैसे हो सकता है? मास्टर तो सही में इमॉर्टल है। चैन बोलता है, हो गया क्या तुम्हारा? वो लोग वहां से डरते हुए भाग जाते हैं और बोलते हैं, ये तो मॉन्स्टर है। तभी वहां पर बीटिंग आ जाता है और बोलता है, ये तुम हो क्या? एक एक्सपर्ट को इस तरह से कमजोर लोग को मारना चाहिए? तभी एक आदमी चलाते हुए बोलता है, मास्टर बीटिंग इसे मार डालो, ये हमारा बहुत सारा आदमी को मारा है। चैन बोलता है, मैं बैक्टीरियल इमॉर्टल हूँ, तुम्हारे जैसे मॉर्टल लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन बीटिंग एन मौके पर उसके हमले को रोक देता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, मास्टर बीटिंग इसे मार डालो। बीटिंग अपने मन में बोलता है, मैं चैन के हमले को रोक तो दिया, लेकिन अभी भी मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। चैन बोलता है, तुम साहिब बीटिंग हो गए ना? बीटिंग बोलता है, हाँ मैं हूँ, और तुम कौन हो? चैन बोलता है, तुम मेरा नाम जानने के काबिल नहीं हो। यह सुनकर सब लोग गुस्से से बोलते हैं, ये मरना चाहता है, मास्टर बीटिंग इसे मार डालो। चैन बोलता है, अगर तुम मेरे हमला को रोक पाए बिना मरे हुए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं असल में हूँ कौन। फिर वो बीटिंग पर हमला कर देता है और बीटिंग भी अपना पूरा दम लगाकर उस पर हमला कर देता है। इससे वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। जुड़ाई बोलती है, क्या वो मर गया? तभी बीटिंग धमाके से बाहर आते हुए बोलता है, मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो, लेकिन ये सही में बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है। और वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, बीटिंग मर गया? तभी जुड़ाई बोलती है, दादा तुम आखिरकार बाहर आ गए। जॉन्ग बोलता है, हे जुड़ाई क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा दादा हूँ। जुड़ाई बोलती है, तुमने मुझे सिकिकामी के हवाले कर दिया और अभी भी पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ। जॉन्ग बोलता है, बीटिंग के लिए मुझे ये करना पड़ा, प्लीज जुड़ाई मुझे माफ कर दो इसके लिए, मैं तुम्हारा दादा हूँ। चैन बोलता है, जुड़ाई इसे मारो मत, मुझे इसे कुछ सवाल पूछना है। जुड़ाई बोलती है, ठीक है मास्टर। जोंग चैन को बोलता है, मास्टर मैं जुड़ाई के सभी प्रॉपर्टी आपके हवाले कर दूंगा और अंडरवर्ल्ड में हमारे जितना भी कंट्रोल है मैं आपके हवाले कर दूंगा। चैन बोलता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उसके सर में हाथ रखकर उसका सभी जानकारी निकाल लेता है और उसे वहीं पर मार डालता है। फिर चैन नहाने चला जाता है और अपने मन में बोलता है, सिर्फ मिजाकजू अभी भी जिंदा है, अगर वो जानटीन स्टेज में होता तो वो कम से कम 180 साल तक जीता, लेकिन वो अपने आप को मार दिया जिसका उसका आत्मा यहाँ पर हमेशा रहेगा। तभी जुड़ाई वहाँ पर आ जाती है, बोलती है, मास्टर क्या आपको मेरी जरूरत है क्या? मैं अभी भी वर्जिन हूँ और उसके अलावा जुड़ाई फैमिली आपके कंट्रोल में है। चैन बोलता है, चलो ये अच्छा बात है, जुड़ाई फैमिली से मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला है मुझे इससे के गामी का चिंता नहीं करना होगा, वो मेरे हाथों से बच के नहीं भाग पाएगा। जुड़ाई बोलती है, मास्टर आप तो इमॉर्टल हो तो आप जाजू से कैसे निपटोगे? लेकिन चैन उसका कोई जवाब नहीं देता है और वो शांत होकर हॉट स्प्रिंग का मजा लेता है।